अपने कदमों को चूमा। अल्लाह हम पर भी करम फरमाएगा, एक दिन आएगा हम भी हुजूर के तलों को चूमेंगे। और यकीन ऐसा था कि स्टैंड बाय, और जैसे ही खबर पहुंची बफोरे सब शुक्राने में अल्लाह के, पहले हम नमाज अदा करते हैं, पहले क्या करते हैं, खड़े होते हैं, क़याम, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, झुकना, किसमें, रुकू में, ये क्या दूसरा, और तीसरा गिरना, सजदा, पहले क़याम, फिर रुकू, और फिर सजदा। अब जैसे ही खबर पहुंची हुजूर आ गए, अब तो शुक्राना हो नहीं है ना, बफोरे सदा समय बना ये सिदरा अर्श ना सूरज चांद को पकड़ सकता है, ना चांद सूरज को पकड़ सकता है। आज तारीख है 26 अगस्त, हैदराबाद के इस इलाके में आज किस वक्त सुबह सादिक हो, एक साल बाद इसी तारीख को इसी वक्त, दो साल बाद भी इसी वक्त, 10 साल बाद भी इसी वक्त, 100 साल बाद भी इसी वक्त, और आज से 100,000 साल पहले भी इसी वक्त, एक सेकंड का फर्क, एक सेकंड का फर्क। कल की तारीख में सूरज जिस वक्त डूबेगा 26 तारीख को, आज 1,000 साल बाद, 1,000 साल पहले भी यही वक्त। ये निशानी है आयत अल्लाह। अब इन आयत को दिल पे रखकर इसके मफहूम को समझते हुए अब वुज़ू की शान को देखो। डूब गया था, फिर आया आपने कहा खैर तो है, की गलती हुई है जी, आपते उठे हुए और हुजूर की उंगली उठी, सीने का सीना चीर कर चांद भी कहता लगता है क्या रसूल अल्लाह। सुनो 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 सुनो, इस वाले ऐसे होते कहने की भी जरूरत नहीं, बस चेहरा का था। कौन सा चांद को हुजूर ने कहा था, अरे हो जबान अब तक से कहा ना, जब बातें हो रही थी ना चांद पर टुकड़ा करने की, तो चांद भी स्टैंड बाय हो गया था कि बस हुजूर कहना मत, सिर्फ इशारा ही कर, और हुजूर ने इशारा फरमाया तो चांद ने सीना चीर कर कहा लब्बैक या रसूल। अच्छा सुनो बात चल रही है, चांद और सूरज, सूरज भी लौट आया। आलम कहते हैं माह शक गश्ता की सूरज, देखो देखो टूटा हुआ आया है इधर आधा उधर, माह शक गश्ता की सूरज देखो और कांप कर बहर की रजात देखो, और फिर कहते हैं ये क्या देख रहे हो,
वो दिखना ही है तो मुस्तफा प्यारे की कुदरत कैसे एजाज हुआ करते हैं। इशारे से शाम देखनी है तो मौला अली की देखो, रोजाना सूरज डूबता है ना, रोज डूबता है, लेकिन जिस दिन हुजूर ने सूरज निकाला अब ये डूबेगा। रफीक है शेख रफीक साहब, जिस दिन हुजूर ने निकाला ना सूरज अब ये क्या डूबेगा, अब ये उस वक्त डूबेगा जब नमाज असर अली पढ़ने जिनके लिए निकाला है ना, जब जब वो पढ़ना नहीं तो डूबेगा नहीं। वो समझना ही बात, शान बयान करना सीखना तो सुन्नी से सीख। इशारे से दिल पे हाथ पे हाथ हो हमारे आका क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मकाम महमूद पर जब हुजूर अल्लाह की हम करेंगे, अब फरमाते हैं कि ऐसी हम करूंगा कि जो आज तक ना कोई कदर करना कर सके, और आप फरमाते हैं कि जिन कलेमात से हम्द करूंगा वो कलेमात मुझे इल्का होंगे। हुजूर को इल्का फरमाया जाएगा तो हुजूर उन कलेमात से अल्लाह की हम करेंगे जो आज तक कोई कर सकता न कोई कर सकता। तो आशिकों के भी दिल में तो ख्वाहिशें होती है ना कि मैंने नाते तो बहुत लिखी और यहाँ लोगों ने पढ़ी दी, लेकिन एक खास कोई ऐसी ऐसी कोई नात तो होनी चाहिए ना जो उधर ही मुझे भी इल्का हो जाए, और वो मकाम अता हो कि जहाँ हुजूर अल्लाह की हमद कर रहे हो मकाम महमूद पर, कोई कोने खाचे में कोई जगह मिल जाए तो वहां पर मैं क्या करूँ। हुजूर करेंगे अल्लाह की सना और सब करेंगे हुजूर की सना। इमाम कहते हैं जब मैं सना करूं तो कोई ऐसा मुझे भी अता हो जाए। सबावों चले के बाके पले हले फूले फूले पीले दिन वो भले भले वाके पले सना सनों से भूले वाके पले सना सनों से भूले साके 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 हले 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 Da 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 Da
सुनो कलाम करे। अभी मैंने कहा ना पिछली फिल्म में कहा था 40 के अंदर एक रात है, 40 के अंदर बड़े रात है, बड़े रात है 40 के अंदर। ये चिल्ला होता है ना चिल्ला, ये रात वाला होता है जो अल्लाह के लिए अल्लाह की रिजा के लिए 40 दिन 40 रातें वक्फ कर देना अल्लाह के लिए। एक अल्लाह ताला उसके सीने में मार्फत के में ऐसे से राज खोल देता है। चिल्ला आते एक राज 40। अब इतनी इसमें डिटेल है कि मैं इसको बताना शुरू करूं तो इसमें काफी वक्त लग जाएगा, फिर कभी कहीं इंशाअल्लाह। 40 का चिल्ला जब होता है ना तो फिर बात चल जाती है। चले अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त को तकरीबन 40 साल होने को नाप खानी नहीं, अभी चिल्ला पूरा हो गया। और दावत इस्लामी को 40 साल हो गए। अब रंग देखना, अब रंग देखना, 40 में राज है। सूरज पाक उस वक्त भी नबी थे जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे, लेकिन ऐलान नबूवत कब किया? जब 40 साल की उम्र पास पास मूसा अलैहि सलाम गए थे एक महीने के लिए, अल्लाह ने 10 रात से 30 दिन और बढ़ा दिया 40 पूरे। चिल्ले में राज है और कितने वाक्य बड़े वाक्य। पर आज ब्रदर कहते हैं आशिकों की सोच के वो मुस्तकबिल की बातें किस यकीन से कर रहे हैं, क्यों ना करें? जिंदगी हुजूर की याद में गुजारी, हुजूर के लिए गुजारी। तो वो कहते हैं एक तरफ लिखा हुआ है, आप समझो यहां नहीं लिखा, समझा नहीं, ठीक है? नए अमल तुले जाएंगे, नेकियां कम होंगी, नेकियों का पल्ला हल्का होगा, ऐसे में आमना के लाल अपने दामन से एक चिट्ठी निकालेंगे और उस पल्ले में डाल देंगे तो नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। उस पे लिखा होगा कुरान पाक और एक रिवायत के मुताबिक लिखा होगा कलमा तैयबा, लेकिन बरकत किसके हाथों में जाएगा? दिखाना है ना बरकत, हुजूर के हाथों की बरकत कि तेरी सारी जिंदगी भर की नेकियां एक तरफ और मेरे महबूब के हाथों को रखा हुआ एक पर्चा एक। तो क्या कहते कुना जब लुत्फ महबूब कौन हो? महबूब की शान क्या हो? दिखाई जाएगी खुशी 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 खुशी
खुदा चाहे नकले पीछे खुशी खुशी खुदाए खुशी चाहे किसको बोलो जन्नत में बोलो प्यारे को जिसके लिए लव ही ना वो जन्नत में तू बोल तू जो बोलेगा वो होगा खुशी किधर है भाई अभी बच्ची किधर की मेमन स्ट्रेट कितना दूर है दस फीट मैं निपटा के आ गया गाड़ी है आ गया करीब तो है तो ये मैदान है नेशन में पुलसिरा हौजे कोसर कुछ करीब करीब नहीं हो पता कितना दूर सैकड़ों साल की मुसाफत सैकड़ों साल की मुसाफत कमाल के कोई हुजूर को इधर बुला रहा है कोई उधर बुला रहा है कोई इधर बुला रहा है अब सुनिएगा कोई करीम तारा वो दिन सुहूर कमाले हुजूर कमाले होगा वो दिन सुहूर कमाले हुजूर होगा किस तरह लोग का बेटा माँ को अजीज होता है कयामत के दिन हर उम्मती हुजूर को ऐसा ही अजीज बच्चे माँ जिस तलाश करे किसी अकलौता किसी माँ का अकलौता अगर खो जाए तो माँ कैसे ढूंढ रही है अकलौता है अजीज बच्चे माँ जिस तलाश करे खुदा गवाह यही सारे नबियों के पास हाजिरी होगी सबकी नाक पड़ जाएगी आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे या आप तो आदम हैं आप तो सफीउल्लाह हैं आप तो अल्लाह ने अपनी रूह होगी अपनी जानिब से आप तो अबुल बशर हैं आपकी तो ये शान आपकी तो वो शान ये नाक नहीं ये आदम अलैहिस्सलाम की नाक नहीं तो आदम अलैहिस्सलाम की नाक पड़ेंगे फिर नूह अलैहिस्सलाम की नाक होगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नाक होगी हर नबी की नाक होगी सब रहे नबी हो गुलाम हैं क्या कहेंगे किसी और के पास जाओ उसकी नफसी कहेंगे और नबी इधाबू इधाबू और मेरे हुजूर की नफलत अना लाहा मैं तो हूँ ही सी मेरे उम्मत बदरा बिल्कुल
खुदा के सामने सजदे में सर झुकाऊंगा। अल्लाह की बारगाह से खिताब होगा, ऐ मोहम्मद सर उठाइए, सवाल कीजिए, पूरा होगा, पूरा होगा, शफाअत कीजिए, कबूल हो। सबसे पहले शफाअत करने वाले हुजूर, शफाअत का दरवाजा खोलने वाले हुजूर, शफाअत कुबरा करने वाले हुजूर, सबसे पहले मेरे आका वहां निशान। दुआए उम्मत बदकार मिलते नब खुदा के सामने सजदे में सर झुकाना होगा। गुलाम गुलाम खुशखबरियां, खुदा उनकी इनायत से चैन होंगे और हुजूर का फतने भाइयों वहां मिलने आओगे ना, मिलेंगे ना, वहां भी नाच बंदी करेंगे इंशाल्लाह। मुझ पे शक्ति 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 शक्
मुश्के तेरे बस में बस में तेरे बस बस ये तेरी शान शान आ
मत सारी मत मत Oh,
ने बुला लो दिल मुझे पर मदीने में लौटा तेरे दर पर मदीने में चूमे जाना मेरे बाँचा सीना चाचा मदीना मदीना हमारा मदीना
ملفوظات میں لکھا ہے ایک شخص
जो कि उनका मुरीद नहीं, वो आकर कहने लगा कि हुजूर मैं आपका मुरीद तो नहीं, लेकिन मुझे जो ना आपसे बेस्ट इसकी क्या वजह। तो आप कहते हैं कि बात इसकी वजह इसकी ये है कि तू जब भी मेरे पास आता था मेरे मुरीद के साथ आता। तो ये एक सिस्टम होता है कि मुरीद जब अपने पीर की बारगाह में हाथ देता है ना, तो मुरीद के हिस्से का फैज पीर पे उतरता है, तो उसको मिल जाता है। आप फरमाते तो जब भी आता है ना मेरे मुरीद के साथ आता है, तो उसका फैज उतरता है, तो मिल जाता है। अल्लाह वाला मुझे सबूत बेटा करो, बहुत कुछ भी देखने को। कहते हैं यक जमाना सोबत बागौलिया बेहतर अलग सद साला ताआत दे दिए। 100 साल की बेरिया खालिस इबादत तुझे वो मकाम नहीं लगती जो एक वली की सुबत में अगर तुझे एक साथ मिल जाए वो अता करता। अब बताओ गौसे पाक के बरकत में गौसे पाक के घर में चोरियां क्या चोरी करते। मैं तो कहता हूँ बड़ा खुश किस्मत था वो चोर, अब मैं रश करता हूँ तो मैं कहता हूँ काश वो चोर मैं होता, तो वो उस पास का घर मिला, चोरी करने के लिए गया, जब जाने लगा तो रास्ता ही नहीं मिला, वो आजम के मदद ये जाना फंस गया। क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ वो उस पास का तसरुफ था, वो उस पास देख रहे थे जो है महफूज पर की है इसकी मंजिल कुछ और लगा हुआ है, चलो अब इसको पकड़ के पहुंचे। उस बस ने उसको पकड़ लिया और एक ही नजर की, ये नजर मेरे है, हाय हाय ये नजर बड़े पीर की नजर मेरे क्या काम कर दिया। लेकिन एक ही नजर में पड़ी ना, तो एक ही नजर में वो तायब हो गया। सुनो, एक ही नजर में तायब भी हो गया और वही नजर सारे मनाजिर देख रहे हैं, उसी नजर ने सारे लताए रोशन और उसी एक नजर ने उसे अफजालों में से एक जमाना सोबत बहाव दिया बेहतर सद सलाता दे। इसीलिए शायर कहते हैं कुछ कुछ तलब है कुछ कुछ तो बेतलब नहीं सारी रहमा फरमाते हैं कि जिसके दिल में दुनिया की जर्रा बराबर मार्फत है उसको रब की मार्फत नहीं मिल सकती। इस दिल को खाली करना पड़ता है जब तो मकान वाला आता, नूर जो है ना वो जुलमत में नहीं रहता। तो ये भी आसान बात नहीं है, ये मार्फत के रास्ते हैं अहले दिल के वास्ते, चुने दियो से जाके मिल, चुने दियो से जाके हजारों में बैठ जा।
सिर्फ शैतान के पास इल्म कम था, फरिश्तों को पढ़ाता था और दुआ दुआ भी फरिश्ते आते थे करने के लिए। ऐसा मुस्तजाब दावा था, हर नाम आसमान पे इसका अलग था। इतनी इबादतें की। शायर कहते हैं ठीक है, दुरूद नमाज पढ़ परिपाकों के राज सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली बदली सुनने वालों छूटते रहियो चोरों की रखवाली रखवाली ही चोरों को मिल जाए तो फिर क्या होगा। सुनने वालों जागते रहियो सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। चोर भी ऐसा मुहावरा है, आंख से काजल चुराना। जो आंख से काजल चुराए तो बड़े सफाई से काम करते, ऐसे काम करना काम नहीं हो जाए समझना पड़ता। कहते हैं आंख से काजल चुराना, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बना के तेरी कठरी काफी है और तूने नींद बिगाड़ी है। सोना पास है सोना बन रहे सोना जहर उठ प्यारे उठ ठीक है। दुरूद पढ़ नमाज मजा तो तभी है ना कि हथकार बनते दिल यार सुकून चाहिए सुकून चाहिए ये ना समझते कि मैं तरक्की दे रहा हूँ धमाल करो। वो जो नजर आते हैं आपको अक्सर मजारों में धम धमाल वो नमाज को नहीं कहते। धमाल तसव्वुफ की इस्तिलाह में एक तनाव एक होता है वज्द तवज्जुद अल वजूद फिर होती धमाल। ये इस्तिलाह धमाल अलग चीज है। ये चर्च पर स्पीकर जो लगे होते हैं ना वो धमाल। मैं नई बात अगर वो खलवत सुकून चाहिए पिया जा पिया के
सरे बाजार तमाशा मन रे दी मना बिस्मिल बिस्मिले पंजरे फुकार खुशारी दी खुशारी दी के पावन शकुन सतपाल साईरा रहे तकवा के मन दुपाओ दस्तार शेख अब्बास मुर्शी इनके बारे में फरमाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं तो फरमाते हैं, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए मेरी नजरों से ओझल हो जाए तो मैं खुद को मुसलमान न समझूं। ऐसे हुजूरी भी होते हर एक सांस पर जो उनको देख लेती है तलब तो आँख बन के आप तक बड़ी सरकार है, बड़ी सरकार। उस सरकार में जब आना आदत जाते हैं आला हजरत आला हजरत आला हजरत उस सरकार में जाए तो दुनिया चाहे वो कुछ भी कहे, मुजद्दिद कहे, मुफक्किर कहे, मुहद्दिस कहे, हाफिज कहे, मुफ्ती आजम कहे, कुछ भी कहे, जब वो जाते हैं तो कहते हैं मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, हर दे प्याला नूर का नूर गुना तेरा दे डाल सकता हूं। वो सरकार आला हजरत से बड़ी सरकार में गए तो कहे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा हौस है और लाडला बेटा है। वो बड़ी सरकार है, वहां तक पहुंचना इतना आसान तो नहीं, हुजूर तक पहुंचने के कई दरवाजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने, लेकिन उन तमाम दरवाजों में दो दरवाजे ऐसे हैं जो फास्ट ट्रैक जहां जल्दी से फौरन दरवाजे बहुत हैं, उन तमाम दरवाजों में सिर्फ दो दरवाजे ऐसे हैं जहां से बहुत जल्द एंट्री मिलती है। पहला दरवाजा सिद्दीक अकबर का और दूसरा दरवाजा सीधा कायनात सीधा कायनात सीधा कायनात। ये वो दरवाजे हैं जहां से फास्ट ट्रैक है, एंट्री जल्दी मिलती है। बारगाह बड़ी है मुजफ्फर पर आप तक रसाई इतनी पहुंचना है, बहुत तो सकते निकते निकते क्या करते काम पे हम तो नहीं पहुंच सकते जो पहुंचे हुए उनके पास बैठ जाते हैं समझाने के लिए नजर एक ही तरफ है, अगर आप चाहते हो कि आपको भी कोई तवज्जो
है कि आप इधर बैठ जाओ, तो लोग तवज्जो तो यहाँ पे होंगे, लेकिन सत्य में समझाने के तो हम नहीं पहुंच सकते, चलो तो पहुंचे उन्हीं के पास बैठ जाने के बाद मुसफरा पर तकर साई साई कितनी समझ लो तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए तो यार हमारी उनकी अपनी मर्जी चलती थी, अपनी मर्जी से चल नहीं सकते, ना बैठ सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, ना सो सकते, मर्जी नहीं। अब मर्जी उसी की जिसकी यार कमाली, इसी मर्जी की जिसका यार कमाली है, वो बोल सो तो सो जाए, उठ उठ खा तो खाए। तो ये जो बड़े होते हैं ना, ये कमाली होती है, अपनी मर्जी से नहीं चलते, वो नजरों में होते जी में यार चलता चलाता चल जाता। तो शायर कहते हैं तवज्जो चाहिए तो यार कमाली हजार पहले
लोग बयान करते हैं, हम जिसे लोग बयान करते हैं, घर तैयारी करते हैं, कुरान हदीस तफसीर इसको सुना उसको सुना, फिर तैयारी कुछ जहन बनाया कि ये बातें करनी है, फिर मिंबर पर खड़े हो गए और फिर शुरू वहां तकावल तो कुछ है नहीं, लेकिन शायर कहता है कि इल्हाम जामा है जहां जहां और आ इमामा है और मिंबर तेरा हम बयान करें तो सुनने वाले के, लेकिन यहां खैरुल बशर रुतबा तेरा राह गुजर से गुजर के बंदा करता था, घर और राह गुजर में फर्क है, यहाँ मेरा घर और तेरी गुजर तेरी खैरात मांगूंगा
आपकी नारायण मुबारक पुणे मुबारक से भर गई पहाड़ों को फरिश्ते आ गए अर्ज की हुजूर इजाजत दे तो वो पहाड़ों को मिला तो कुचल अर्ज की फरमाया ना ये मुझे नहीं जानते इनकी नस्लें मुझे जानी नहीं ये सिंध में बैठे हो सिंध में इस्लाम आया तो कौन लेके आया मोहम्मद बिन कासिम कौन बोल गए कौन ले आया किन की नस्ल से बता पूरी ताय बनो जिसके लिए हुजूर ने बदवाना पड़ा ये नहीं जानते कि नस्लें मुझे जानी दीन की राह में हुजूर सताए गए कोई तो आज दीन की राह में जब काम करते हैं तो बड़ी मामलूमात होती बड़े मामला होते हैं और बहुत कुछ सुनना पड़ता है सुनना पड़ता है अब इसमें दिल छोटा करके बैठने की जरूरत नहीं अब सुनो तारीख को लौटा दोहराता हूं मैं हम क्या है हमारी औकात क्या है हमें कोई कह दे हमारी क्या औकात है मैंने पहले कहा ना हम कहा इज्जत के दासन थे मगर बस्ती के लोग नाच के सबके हमारी आबरू करते हैं कौन है हमारी औकात क्या है कुछ नहीं बस डाकू मत मत जो गाना के सामने शुरू करूं लेकिन क्या करूं कुछ मजबूरियां होती हैं खासा थी गल्ला नहीं मुनासिब करनी रोकना पड़ता है लेकिन दूसरा कैसा मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा तो जजा कौन है तू जजा मर कैफियत से भरपूर शेर तू गए ऐसे मुमकिन तू है बुका
ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜਦੀ ਚੜੀ ਤੋਂ ਚੜੀ ਤੋਂ ऐसे बनो लौट के जाना ही नहीं खाली बस हर दो झोली मेरी से आप उन्होंने हमने बचाया
قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے او بولو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے آج تو یزید یزید کرنے والا نہیں لیکن حسین حسین کرنے والے بے شمار سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے دل لا الہ دست حسین جو ابن مرتضی نے کیا تو خوب ہے قربانی حسین کا انسان خوب ہے خدا کی شان بڑا ہے حسین اے اچھی گجس نے مدد اسلام کو گیا کتنی عظیم حضرت شبیر بھی ازاد مردان کربلا میں شاید خوش قسمت سے مردان کربلا میں شاید خوش قسمت سے سجدے سر بٹا کے محمد کے لال نے آیا نہ ہوا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گناہ ریت پر جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر عشق میں کیا اٹھائیے عشق میں کیا بچائیے سارا نصاب ریت پر ترسِ حسین آپ میں جو کہوں تو بے ادب ترسِ حسین آپ میں جو کہوں تو بے ادب ترسِ لبِ حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کو یہ کیوں کہوں کیوں کہوں نہ ملا تشنا کو رسنا تھا قبول ہی پینا ایمان اور اشارہ کر سے جگر گوشے رسول اگر مجال بھی جو نا کا سلام کر سے شان بڑھائے حسین
شام کو آیا کتنی عظیم حضرت شبیر کی جگہ میدان کربلا میں شہید خوش قسمت نے سجدے سے کٹا کے محمد کے لال نے تیرا اے اونچا ہے اونچا ہے اونچا ہے
उतर गया दोबारा कट्टर है तो चढ़ जाता है सफेद हो गए। बात क्या है? बात यह है कि कौश के दर पर अलहाज पूछने लाई जो है भाई पूरे ही सफेद हम मुझे पता है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि कौश के दर पर उम्र गुजारी कौश के दर पर और से खुशबू आदमियों का खूंटा वो मजबूत होता है, खूंटा जब मजबूत होता है ना तो पता है जानवर ज्यादा कुत्ता पता है कुछ जाने का है ही नहीं। खूंटा मजबूत है चतर नहीं टेंशन, खूंटा मजबूत ना हो तो टेंशन नहीं निकलना है, खूंटा मजबूत हो तो परमेश ले भाई वाले तेरा बैठ तो तू भी बैठ तो मुझे नजर तो आए अब जरा मुझे दिखाओ से पास के वही वाले ये आपको बोल रहे दिखाओ कह रहे हम भी तो पढ़े रहा हूं दिखाओ ना दुनिया को से पास के साथ को बैठ के मुस्तफा